अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का करोड़ों दुरूद सलाम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं उज़्मा फूड डायरीज। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी वो है मकई की रोटी बनाने का तरीका। ये मैंने दो बॉल भर के मकई के आटे के लिए, इसको मैंने छन्नी के साथ छान लिया था। अब इसमें ये उबलता उबलता पानी जो है, ये उबलता उबलता पानी इसमें डालूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको सारे को जल्दी जल्दी मिक्स कर लेना पहले। ज़्यादा ही सारा ही को नहीं लिक्विड कर देना, इतना रखना है कि बस ये इतना इसे इकट्ठा करना है बस। जल्दी जल्दी करके ना व्यूअर्स, ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको ऐसे इकट्ठा कर देना है। अब ये जो बाकी रह गया है इसको थोड़ा सा जो उबाला हुआ पानी था उसमें ठंडा पानी थोड़ा सा डाल लेना है और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के मैं अभी बताती हूँ आपको। अब मैं ये जो पानी उबाला था मैंने, इसमें मैंने थोड़ा 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 सा ठंडा पानी डाला है। बस ऐसे इसको मिक्स करना है। ये थोड़ा सा खुश्का मैंने छोड़ा हुआ है, ये ज़्यादा गर्म है थोड़ा। इसे बस जो हाथों को ज़रा ना लगता हो कि इसे हम अच्छी तरह गूंद लें, ज़्यादा गर्म गर्म जो हाथ को पानी ना, ये आटा ना लगे क्योंकि जल ना जाए। बस वो उतना उतना करें कि जितना आपके हाथ सह जाए। अब इसको पानी थोड़ा सा लगाना है। अब इसको ऐसे करके इसको मसलना है। ऐसे ऐसे पकड़ना है पहले, इसको ऐसे ऐसे करके मसलना है इसे आटे को, फिर वो शेप जो है आटे की रोटी की अच्छी आएगी। आटा बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अब इसको इधर रख लेना, थोड़ा सा पानी हाथ को लगा के। हल्के से हाथों को पानी लगा लेना। ऐसे तलियों के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता दबाई जाना। आहिस्ता आहिस्ता नरम नरम हाथों के साथ। ये बीच बीच में से हल्का हल्का दबाई जाना है। ये देखें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है जिसने हमें ये तरीके बताए। ये हल्का सा इसे ग्रीस कर लेना तवे को। और बिस्मिल्लाह, अगर आपको लग रही है कि ये ना, मुझे लग रही है कि थोड़ी थोड़ी ये मोटी है, तो तवे पे थोड़ा सा घी लगा के आहिस्ता से ऊपर से दबा लेना। बस इसे सेक एक तरफ लगेगा जब, फिर इसे पलटा देना दूसरी तरफ। अभी ये हुई नहीं है। ये बड़े बड़े नरम नरम हाथों के साथ इसको ऐसे ऐसे करना है कि टूटे ना रोटी।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इधर से चमचे के साथ सहारा लेके ऐसे पलट देना है। अब थोड़ा थोड़ा इसे घी लगाना है। कई लोग तो खुशक ही बनाते हैं, लेकिन मैं इसमें हल्का हल्का घी लगाती हूँ, ज़रा वो अच्छी लगती है साग के साथ। बस जिनको हाथ के साथ रोटी बढ़ाने नहीं आती तो दूसरा तरीका इस तरह भी कर लें कि एक पोना ले लें आप, उसको इसको अच्छी तरह गीला कर लें। ये गीला कर लिया आपने, फिर ये हाथों को थोड़ा सा पानी लगाना है, फिर इसको पेड़े को उठाना है। ऐसे करके इसको ये तली के साथ, फिंगर के साथ नहीं, तली के साथ दबाना है इसको। जी भी बस एक रोटी मेरी बन गई है। अब ये जो है पोने वाली रोटी, इसको पोने को हल्के हाथों से हटाना है और ऐसे पकड़ के ऐसे करके आराम से ऐसे पका लेंगे। इतनी जल्दी नहीं इसे हटाना, बस एक मिनट के बाद जब अच्छी तरह ये सिक जाए तो फिर इसको पलटना है। ज़्यादा नहीं मैंने घी लगाया, अभी बस हल्का हल्का सा लगाया है कि दरमियानी आंच में बना रही हूँ कि जले ना। बस ऐसे ऐसे करके चम्मच के साथ दबाते जाना है। जी व्यूअर्स, ये है मेरी रेसिपी की फाइनल लुक मक्की की रोटी की। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मेहनत का काम है। ये देखें इतनी मज़े की और खस्ता बनी है। ये देखें टूटने में भी कितनी ये देखें आटा ही बहुत अच्छा था और उसके गूंदने में ये ऐसे नरम और मज़े की बनी है। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगी।